हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग। अभिषेक कोचिंग सर्विस है यूट्यूब चैनल, और आइए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। पांच ऐसे शब्द जिसको कि आप लोग कहीं लिख कर रख लेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप 100% लोको पायलट बन सकते हैं। देखिए, फाइव वर्ड्स विल मेक यू ए लोको पायलट। सबसे पहला वर्ड कौन सा है? वो है आपका फोकस। कोई भी काम करते हैं, अगर आपका उस काम में फोकस नहीं रहेगा तो आप उस काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या देखा स्टूडेंट को, वो फोकस करते हैं कि मतलब दो तीन जगह पे उनका फोकस रहता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये इस तरह से। तो आपका जो फोकस है हमेशा कहाँ होनी चाहिए? और आपको लोको पॉइंट बनना है तो लोको पॉइंट पे ही आपका फोकस होना चाहिए, ALP। अब देखिए, ALP के लिए जितने सारे पढ़ाई करनी है उस पढ़ाई को कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए। हमेशा आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? ALP। जब भी आपके मन में कोई भी एफ वर्ड आएगा फोकस, तो आपको कहाँ पे ध्यान देना चाहिए? लोको पॉइंट पे, ALP पे। इसका ये फोकस कभी कम नहीं होना चाहिए, कभी कम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली स्टूडेंट क्या होती है, वो दिक्कत होती है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अपना फोकस रख ही नहीं पाते, या फिर थोड़ा डिस्टर्ब हुए तो वो अपना फोकस भूल जाते हैं कि हम क्या तैयारी कर रहे थे, वो पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हैं। तो इसलिए आपका फोकस हमेशा कहाँ होना चाहिए? ALP पे। दूसरा होती है क्या? टारगेट। टारगेट, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट भी है ALP, ALP कंप्लीट ALP। अब देखिए, ALP में तीन एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2, CBT 3। CBT 1 का तो एग्जाम तैयारी कर लिए, CBT 2 और CBT 3 के बारे में सोचे ही नहीं, और सोच रहे कि मेरा टारगेट ALP है। इसलिए आपको हमेशा टारगेट कहाँ होना चाहिए? ALP। टारगेट हमेशा फिक्स होना चाहिए ALP, और कंप्लीट ALP। इसके लिए आपको तीन एग्जाम निकालना पड़ेगा, CBT 1, CBT 2, CBT 3, और तीनों एग्जाम पे आपका फोकस भी होना चाहिए, CBT 1, CBT 2, CBT 3 एक साथ में। CBT 1 पहले पढ़ लीजिए, CBT 2 पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर CBT 3 पढ़ लीजिए, तीनों पढ़ लीजिए, उसका फिर सबका रिवाइज करते रहिए। ये रहा आपका। अब देखिए, तीसरा तरीका क्या है? नेवर गिव अप। कभी भी इसको छोड़िए मत, कभी भी इसको छोड़िए मत। फोकस रेडी है, टारगेट सेट है, और नेवर गिव अप, इसको कभी छोड़िए मत, इसको करते रहिए, कंटिन्यूअस करते रहिए। भले आपको कोई भी काम क्यों ना हो, आप इसके लिए टाइम जरूर से जरूर निकाल लीजिए। स्टूडेंट क्या होते हैं, वो बहाना खोजते हैं कि चलो मेरे बगल में शादी है, 2 दिन शादी में रहेंगे, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से कुछ और हो जाएगा, फिर चलो उसके बाद पढ़ लेंगे। नहीं, शादी है तो शादी आप अटेंड करेंगे, लेकिन साथ में आप पढ़ाई भी करेंगे, इसको कभी छोड़ेंगे नहीं। और चौथा जो बहुत बड़ी चीज है वो है बिगेस्ट इंसल्ट। आपके लाइफ में कभी न कभी कोई ना कोई आपको इंसल्ट किया होगा, कभी न कभी एक ऐसा पल आपके लाइफ में आया होगा जो आपको हमेशा आपको उस व्यक्ति द्वारा इंसल्ट किया गया, और आप उस इंसल्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। तो उस इंसल्ट को आप कैसे दूर करोगे? तो उस इंसल्ट को आप लोग, जैसे कि आप तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, या फिर तुम इतने मतलब नीच किस्म के इंसान हो ना कि तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऐसा संस्कार ही नहीं कि लोग पॉइंट बन पाओगे, तो वो सबसे बड़ा आपका इंसल्ट हुआ। या फिर आपके केस में कुछ और भी इंसल्ट हो सकता है आपके लाइफ में, या किसी के भी द्वारा किया गया हो, छोटा या बड़ा इंसल्ट तो इंसल्ट होती है, जो आपको दिन रात की चैन खराब कर दे। तो उस इंसल्ट को आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, आप हमेशा उसको याद करेंगे। जैसे आपको रात में नींद आएगी, आप उस पल को याद करें, नींद खुल जाएगी, आप फिर से फोकस करेंगे, ALP टारगेट सेट रहेगा, ALP नेवर गिव अप, उसको पढ़ना नहीं छोड़ेंगे आप लोग। और पांचवा जो चीज है, पॉवर्टी, मतलब गरीबी। आप लोग गरीब है तभी तो नौकरी चाहिए आपको, अगर गरीब नहीं भी है तब भी आप एक शौक रूप में, एक शौकिया रूप में आप नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन हम वैसे स्टूडेंट के लिए ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीबी। आप लोग अपनी गरीबी को नहीं भूलेंगे। गरीबी एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आप ये सोच सकते हैं कि बचपन में आपकी कैसी लाइफ स्टाइल थी, आपने किस तरह की लाइफ स्टाइल को देखा है, आप अपने मम्मी पापा को किस तरह से संघर्ष करते हुए देखा है। आप लोग सोचते हैं कि हम अपने मम्मी पापा या फिर आपके जो भी पेरेंट होंगे उनके लिए आपको क्या करना है। तो गरीबी दूर करने का एकमात्र यही उपाय है, लोको पायलट आप बन जाइए, लोको पायलट बन जाइए, ALP बन जाइए। और बस वही है कि गरीबी की जंजीर को तोड़ने का एक ही रास्ता है, वो है आपका नौकरी, लोको पायलट की नौकरी। ये पांच ऐसे शब्द है जिसको आप अपने जीवन में उतार के लिख के रख लेंगे, इससे
इसके अलावा इससे भी और बेहतर आपके पास वर्ड होंगे, इसको लिख देंगे एक पेज पे, कॉपी पे, और किसी दीवार पे चिपका देंगे जहाँ पे आपका हमेशा नज़र पड़ते रहे और आप इस पे फोकस करते रहे। कोई भी बात आपको डिमोटिवेट करती है तो आप हमारे साथ शेयर करें, हम उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। और आप लोग इसको अपने स्टडी रूम में तो जरूर रखें, लिख करके छोटा सा पेज में लिख कर रख लीजिए और फोटो भी इसके हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। अब ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर कोई डाउट हो मन में तो आप इस पे कांटेक्ट कीजिए, और अगर आपको मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग लेनी तो आप हमें इस कस्टमर केयर में व्हाट्सएप कीजिए, फिर आपको मिल जाएगी मास्टर नोट्स। 1 तारीख से आपको हमारा ALP का फुल कोर्स लॉन्च हो रही है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को दीजिए एक नई ऊंचाई। आप लोग को 100% कन्फर्म नौकरी के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, ALP न्यू बैच 1 मार्च, और अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच।